आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो जय हो। नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। कहते के जो दिल दे है खूबसूरत, जो दिल के है खूबसूरत, खुदा ने वो लोग कम ही बनाए हैं। जो दिल के है खूबसूरत, खुदा ने वो लोग कम ही बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारी महफिल में आए हैं। और मैं अपनी तरफ तो और पंजाब पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल उमरवाड़ बुंदा दे पूरे मैनेजमेंट कमेटी और साडे टीचर्स नॉन टीचर्स पूरे स्टाफ की तरफ तो तुहानू सारिआं नूं अज दे इस मुकद्दस दिन की बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद दिंदे आं और जीआं स्वागत करदे आं। और जिस तरह के तुसीं सब जाणदे हो कि अज 25th
एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन हो रहा है, जड़ा कि हर साल उन्होंने बच्चों को मान सम्मान दिता जाता है, जिस जेडे के बच्चे अपने एग्जाम के अपनी क्लास के अपनी स्टडी के अबल आते हैं जूल दिया एक्टिविटीज बहुत ज्यादा नंबर लेते हैं, बहुत ज्यादा अनुभव आते हैं और उन्होंने मान सम्मान होगा। और मैं चाहता कि एक बार जोरदार ताड़ी देना स्कूल का मान सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जेडे के इन बच्चों को मान सम्मान देते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता तो सारे का जी स्वागत आगत है। और इस ही इस खूबसूरत मंच का असं आगाज कर तो पहला मैं गुजारिश करा जिन्हें भी साढ़े रिस्पेक्टेड टीचर है, नॉन टीचर है और साढ़े प्रिंसिपल मैडम है और डायरेक्टर साहब है, सारे को मैं गुजारिश करा और जिन्हें भी पेरेंट्स है उन्होंने भी मेरी गुजारिश है कि नाश्ता करने तो बाद भी जल्दी तो जल्दी पंडाल के सजन की कृपालता करो, क्योंकि तुहाडे लिए बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों ने स्पेशली तुहाडे लिए मेहनत और मुशक्कत करके बहुत ही प्यारे प्यारे कुछ आइटम्स तैयार की हैं। तो मैं चाहता कि तुहाडे मनोरंजन लिए वो आइटम्स भी आप सारे मुखातिब करेंगे। और जिस तरह कहते हैं कि खुदा मंजूर करता है जब दुआ दिल से होती है, खुदा मंजूर करता है जब दुआ दिल से होती है, मुश्किल तो यह है मुश्किल से होती है, जो बात दवा से बन ना सके, जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है, जब ब्राह्मण मुश्किल मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। तो फिर इस स्कूल के डायरेक्टर साहब जनाब रमेश चंद्र जी और राजकुमार जी जिन्हे के इस मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं और बाकी सारे स्टाफ और सारे मैडम जी, मैडम किरण बाला जी, सारे मेरी गुजारिश है कि अज इस महफल की अज इस पाक पवित्र सतेज की जी है बहुत ही खूबसूरत पवित्र रस्म जानी कि शुभ रोशन की रस्म जी अदा होगी। तो मेरी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी सारे स्टाफ मेरी गुजारिश है कि इस खूबसूरत पवित्र रस्म के सारे ने शिरकत करनी है। और साढ़े बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने बहुत ही मेहनत की है और मैं देख रहा सी कि छोटे छोटे बच्चे जिते इन्होंने जिते सतेज की आइटम्स है उन्होंने तो तैयार किया ही है, साफ सफाई का बहुत अहम इन्होंने ध्यान रखा है। तो मैं चाहता कि इन बच्चों ने एक जोरदार ताली हो जाए, मेरी गुजारिश है कि प्लीज सारे ने अपनी अपनी ड्यूटिया के मंच के भी तशरीफ फरमान होना, सामने लगिया हुई कुर्सियां तशरीफ फरमान होना सारे ने। तो शमा रोशन की जी रस्म है वो अदा हो रही है प्यारे प्यारे बच्चों के शुभ कर कमलों के जिंदा कहते हैं कि बच्चों में रब वसदा है। तो सरस्वती माता जी की शमा रोशन जोत जी जग रही है, तो तुम भी मैं चाहता सी कि खड़े हो गए अगर नमन कर लो तो मैं सबू ज़्यादा सोना लगेगा, क्योंकि उस परमात्मा का उस खुदा का उस वाहेगुरु का उस अल्लाह ताला का सरस्वती माता का शुकराना है ये खड़िया होकर उन्होंने रिस्पेक्ट है ताकि साडे बच्चे जिहड़े आ आने वाले समय के बहुत उच्ची उच्चिया बुलंदियों पर पहुंचन। तो ये अरदास होगी जिस तरह के साढ़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि किसी भी कार्य को आगाज करना है वो भी शुरुआत करनी है सब तो पहला उस परमात्मा का उस वाहगुरु का शुकराना जरूर किया जाता है। तो विद्या की देवी सरस्वती माँ जिन्हों के ये शमा रोशन हो रही है जिन्हों की जोत जग रही है ये बहुत ही खूबसूरत ये प्यारी रस्म है। तो मैं शुक्रिया अदा करता तो सारे का बहुत ही तय दिल तो थैंक्स करता है, क्योंकि तुम अपनी बिजी लाइफ के समा कड़ के अज इतने पहुंचे हो तो बहुत बहुत थैंक यू है, थैंक्स।
सारे मेंबर नाल हो जाए तेरे बस ठीक है। इतने इतने सर इतने बैठे बच्चे इतने खड़े कर दो बच्चा इधर ना बेटा नाल हो जाओ एक मिनट सर। हाँ जी यस भाजी नाल हो जाओ तुसी उधर आ जाओ सारा वाला हो जाओ एक मिनट सर। हाँ जी ठीक है ओके सर जिस तरह पंजाबियों की फितरत है पंजाबियों की खासियत है कि किसी भी कार्य को आगाज करते हैं उस परमात्मा के शुकराने के नाल उस परमात्मा के सिमरन के नाल जिसके सर उपर तू स्वामी सो तुम कैसा पावे ये बहुत वड्डी गल है। तो खैर इस दे नाल ही इन्हें शब्दों के नाल तुहाड़ियां जोरदार ताड़ियां विचकार इस खूबसूरत मंच का आगाज करना रही है 10th क्लास की बेटी सिमरन कौर जोरदार ताड़ियां नाल। जिसके सिरों पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे जिसके सिरों पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे तेरी शरण च जो कोई सब ते आप बनाए सदा सुखी बसे ओ प्राणी सत दा नाम जो गावे जिसके सिरों पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे जिसके सतगुर जावे जिसके सिरों पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे जिसके सिरों पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे वाहेगुरु तू दुख भंजन तू सुख दाता तू ही पिता है तू ही माता
सिर मत्ते कितों दाता किथे लियाता रोज जी तेरा ध्यान जपे जो दिल तो तेरा नाम जपे जो बाणी हर पल तेरी तेनू सुबह ते शाम जपे जो किसे चीज दी भी थोड़ नहीं उसनू शुक्र जो तेरा गावे जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे जिसके सिरे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। और इसी तरह साहिब श्री गुरु गोबिंद साहिब महाराज जी समर्पित करते हैं। मैं भी कुछ लाइना लिख के देखी कलगियां वाले गिना की चोस तेरे कलगियां वाले गिना की चोस मेरे ढंग जीवन का सानू सिखा दिता खंडे बाटे का अमृत तैयार करके ते एक भी जिन्हों बना दिता सिंह सज के उगदड़ों शेर बनिया सिंह सज के उगदड़ों शेर बनिया ते सवा लाख नाल एक लड़ा दिता फतेहपुरिया उन्हें वार परिवार सारा तो फतेह वाहेगुरु जी का बुला दिता ते तुहानू सारे वाहेगुरु जी का खालसा ते वाहेगुरु जी की फतेह। तो इस खूबसूरत मंच के आगाज के आप कुछ एंट्री बच्चे की जी है वो उस परमात्मा के उस वाहेगुरु के नाम के नाल ही करेंगे। तो इस दे नाल ही हुण 10+1 दे बॉयज एंड गर्ल्स उस वाहेगुरु के चरणों के एक अरदास करेंगे और उस तो बाद विच जिस तरह मैंने रूपरेखा दिखती है उसके मुताबिक इस मंच का आप जी है ये सारी कार्रवाई चलावे। तो तुहाड़ियां जोरदार तालियां विचकार 10+1 दे स्टूडेंट्स एंड बॉयज
आए वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम पदाती सिमर गए नानक लेते आए अंगद गुरु तोय अमरदा से होई सहाय अर्जुन हर गोविंद नो अर्जुन हर गोविंद नो सिमर श्री हरि आए श्री हर कृष्ण खुशी के थोड़ी हाँ
ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਝੋਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰ ਲੇ नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे है बहुत प्यारे प्यारे और जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत जिंदगी के नाल और चेहरे पे स्माइल रख के अपनी परफॉर्मेंस दी है तुहाडे लई स्पेशल तुहाडे लई ओ गल्लां हमेशा छुपाउंदियां कदी अपनी सही उम्र नहीं दसदियां बुढ़िया होण तो डरदियां ते ना ही कदी दसण गया ते सूट पुराना पाया होया चलो ये कुछ हासे मशरूबे दी गल है क्योंकि अज तुसी अपना बिजी लाइफ दे विचों समा कढ के इत्थे आए हो ते अज सारे ने आपां खुश होना है जिदा एक इंग्लिश दे शायर लिखदे है कहंदे कि आवर लाइफ इज मीनिंगलेस इफ वी हैव नथिंग टू एंजॉय साडी जिंदगी अर्थहीन है जेकर साडे कोल एंटरटेन कर ले मौज मस्तियां कर ले वेला समा नहीं ते अज तुसी इस वेले समय नु वेला दे लई मैं कहांगा कि अपनी बिजी लाइफ दे विचों समा कढ के तुसी आए हो तो मैं तुहाडा बहुत ही शुक्रिया अदा करदा हां Oh,
बहुत ही रिस्पेक्टेड टीसी एंड नॉन टीसी स्टाफ और जिन्हें डायरेक्टर साहब श्री रमेश चंद्र जी और प्रिंसिपल मैडम मैडम किरण बाला जी और साढ़े सरदार जी अंकल जी और इस दे नाल ही साढ़े बहुत ही इस्तेमाल जनाब राजकुमार जी इस मैनेजमेंट कमेटी के मैंबर है और साढ़े बहुत ही इस्तेमाल जो रिस्पेक्टेड डॉक्टर अमरजीत थिंद जी जेडे के स्पोर्ट्स पर्सन पंजाब बीजेपी के नुमाइंदे हैं। असी इन्हों सारे का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने तकरीबन पिछले एक दो महीनों तो अज का एक प्रोग्राम उलीकिया और अब इस खूबसूरत शाही जामा भी पहनाया है और सारे पेरेंट्स का भी असी निघा स्वागत आखते हैं जी हाँ स्वागत आखते हैं तुम सारे और इस जिस तरह के महात्मा गांधी जी पेरेंट्स का भी असी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि पेरेंट्स लिए जिन्हें भी शब्द कह लिए उन्ने थोड़े है जिदा समा मिले मैं थोड़े नाल जरूर साझे करांगा। तो खैर अगली जो एंट्री अगली परफॉर्मेंस 10+1 के स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं वो बहुत ही एक बड़े मुद्दे पे है जिहड़ा कि बहुत ही भगदा मुद्दा है। मुद्दे उठते बहुत है पर इहदा हल कोई नहीं हो रहा। ड्रग्स जिहड़ा कि एक कमर्शियल फील्ड हो गया है ड्रग्स ड्रग्स का पंजाब की नौजवान पीढ़ी जी नौजवान की मैं बच्चे भी देखे हैं स्कूल है तो उन्होंने भी बोलों में लगी हुई है। ये बहुत माड़ी गल है और मैं शुक्रिया अदा करता सारे स्टाफ का स्कूल के जिन्होंने स्पैशली ड्रग्स के उत्ते जी एक परफॉर्मेंस तैयार की है जिन्हें जिन्हों के बच्चे माफ करना ना होने चंगा है पर जिन्हों के बच्चे ड्रग्स में पे हुए हैं उन्होंने पेरेंट्स को पता है कि उन्होंने की हाल है। मेरे अपने पिंड की गल है एक माँ अपने बच्चे को समझाती सी जिहड़ियां गल्लां उन्हें समझाइया मैं वो उत्ते कुछ लाइना लिखिया सन तुहाडी नज़र करदा वह माँ अपने बच्चे को कहती है कहती आ बैठ मेरे को लाल मेरे फिर भी उन्हें उस नशेई नूं अपना लाल ही किया आ बैठ मेरे को लाल मेरे एक गल तैनू समझाती मैं नशिया के हड़ तेन डुबद्या वेख भई बोझ गवां दा ढोंदी मैं लखा सुखना सुख तेन पाया रब तो लखा सुखना सुख तेन पाया रब तो तेन पाके हुण पछताउंदी मैं हुंदी धी सदा साडे सुख मंगदी जे राजू रब तो धी इक चाहुंदी मैं जे तेरे बदले विच मैं इक धी मंग लैंदी रब कोलों ते सारी जिंदगी ओ मेरियां सुखां मंगदी मेरी केयर करदी पर तू डोब दित्ता फड़ के। मैं यही तो सारे कहांगा कि अपने बच्चों
माड़ी संगत तो रोकना चाहिए और जिहड़े बच्चे नौजवान बैठे है उन्होंने भी मेरी गुजारिश यही है कि प्लीज इस ड्रग्स तो यह माड़ी संगत तो सारे ने बचना और इस दे नाल ही 10+1 के जिहड़े स्टूडेंट्स है वो अपने अंदाज दे नाल अपने तरीके दे नाल ड्रग्स के उत्ते एक बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं तो मैं चाहना कि एक बार जोरदार तालियां नाल उन्हां दा स्वागत कर लें। थैंक यू। कॉलेज होस्टल के दिन इदा ही होंगे ना ही सू अपनी फिक्र होंगी है तो ना ही गलिया की परवाह होंगी है कॉलेज के होस्टल के दिन इदा ही चलते रहे पर उसको की पता से कि जिंदगी के अगले मोड़ से किस मंजिल ने उसका की करना है चलो कॉलेज चलिए आप लेट हो जाना यार अज तो मेनू भी क्लास बार कटता हाँ हाँ कोई नहीं पार्टी करा कोई चक्कर नहीं गुड इवनिंग सर और फिर वी दसो होर फिर किदा तेन ठीक है होर किदा रहा तेरा दिन तो वधिया काम थोड़ा ज्यादा ਚੱਲ ਦੋਸਤ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਬਸ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਸੌ ਆਈ ਗਏ ਯਾਰ ਬਾਈ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਅੱਜ ਫੇਰਾ ਪੈਗ ਲੱਗੂਗੇ ਅੱਜ ਨਾ ਨਾ ਬਾਈ ਪੈਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾ ਬਾਈ ਵਾਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਉਮਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਕਮੀ ਸਰ ਜਲਦ ਦੇ ਦਿਓ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਬ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ 300 ਬੜੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਬਸ 3 ਨਹੀਂ ਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਗੌਰਵ 400 ਬੜੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਸਿਰਫ 4 ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਕੋਲ ਨੰਬਰ 20 ਦੇ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਸਬਲੀਆ ਤੇਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮੀਦ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜਾਓ ਜਾਓ चलो ठीक है हेलो हाँ जी सत श्रीकाल माता माता थोड़े पैसे चाहिए माता मैं खरीदने ही चाहिए पैसे कोई नहीं कर दें कर देने नहीं मैं होने चाहिए हाँ जी हाँ जी मैं नोट ही लिखने मैं गलत ना चाहते ठीक हाँ जी पढ़ाई भाई अच्छे पैसे का औखा पैसे का औखा देख लो जी हम दस देख लो चलो ठीक है तेरा मैं भी अच्छे ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕੋਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡਰਗਸ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰਗਸ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਕੋਈ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਅਸਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦਈਏ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਈਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਇਸ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਆਈਟਮਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਹੈ
उन्होंने मान सम्मान की रस्म जजया जाएगा और इसके ही साढ़े दरम्यान जिन्हें भी सारे पेरेंट्स और गैसट चीफ गैसट पहुंचे है सारे असं जी हाँ स्वागत आखते हैं और साडे पूरे स्टाफ की तरफ तो और जिन्होंने डॉक्टर साहब मिस्टर हरनाम सिंह जी बोलीना एम डी साहब पहुंचे हैं असं उन्होंने भी जी हाँ स्वागत आखते हैं और माता गंगा खालसा सीनियर सैकेंडरी स्कूल नकुदर तो पहुंचे हैं असं उन्होंने भी बहुत बहुत मुबारकबाद और जी हाँ स्वागत आखते हैं अज के इस मुकद्दस समय से पहुंचने। तो खैर इस मान सम्मान की रस्म जी है वो अदा होगी उन्होंने बच्चों ने जिन्होंने अपनी पढ़ाई दे विच बहुत मेहनत की है और जिन्होंने चंगे नंबर लए हैं। तो मैं बेनती करांगा साडे प्रिंसीपल साहब और डायरेक्टर साहब और साडे श्री राज कुमार जी और सारे सरदार जी तुहानू सारे मेरी बेनती है कि प्लीज मंच ते आके उन्होंने बच्चों का मान सम्मान करना है और जिन्होंने अपनी पढ़ाई के नाल अपनी मेहनत के नाल अपने माँ प्यो का नाम रोशन किया है क्योंकि जिन्हें बच्चों का मैं नाम बोलूंगा उन्होंने पेरेंट्स को कितनी खुशी हुई होगी। इस हाँ जी और इस दे नाल ही ये जिहड़े प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की जी है ये मैं अनाउंसमेंट करनी है बिच करा करांगा और उसके नाल नाल तुहाडा मनोरंजन भी बच्चे करते रहेंगे और सब तो पहला मैं बेनती करांगा 10th क्लास के स्टूडेंट्स जिहड़े कि इस समय 10 प्लस 1 के विच है फुल नंबर ले इस समय वो 10th क्लास के बच्चे है और उन्होंने बच्चों के मेरी गुजारिश है जिहड़े फर्स्ट पोजिशन पर है अनमोल प्रीत कौर महसूपत जोरदार ताड़ी इस बच्चे ने फर्स्ट पोजिशन इन्होंने ली है 9th क्लास के बच्चे और सैकेंड पोजिशन है मुस्कानदीप कौर दरिया बिल्ला बच्चों आई हो जल्दी और इस बच्चे ने भी बहुत जोरदार ताड़ी हो जाए इन्होंने और थर्ड पोजीशन जी है वो है जसप्रीत कौर दरिया बिल्ला और जसमीत कौर मैसू कौर और गुरदीप सिंह जनता नगर ये तेना बिना तीन बच्चों ने थर्ड पोजीशन ली है और इन्होंने भी जोरदार ताड़ी जेडे सैकेंड है और थर्ड पोजिशन वाले ये पॉइंटा में ही है कोई ज्यादा फर्क नहीं है फर्स्ट ही है बेटा सामने और इसके नाल ही 8th क्लास जेडी के बोर्ड की क्लास होया करती है उस क्लास के भी स्टूडेंट्स है जेडे कि इस समय 9th क्लास में है फर्स्ट पोजिशन सोलानी है साड़ी बेटी रायपुर तो ठीक है और सेकंड पोजिशन जेडी है बलजोग सुंदर गोरसिया ने हाल और गुरमनदीप सिंह दरिया बिल्ला दरिया बिल्ला के बच्चे जेडे बड़े इंटेलीजेंट है काफी नाम मैं दरिया बिल्ला के बोले है भाई इस नजर ने भी जोरदार ताड़ी हो जाए दरिया बिल्ला पूरा दरिया है ये बच्चों के इंटेलीजेंसी के नाल भरिया पाया है दरिया बिल्ला ये नगर और इस नाल ही थर्ड पोजिशन हरमनदीप सिंह आदरा मान वाले वो भी अपना मान सम्मान लेके जान हरमनदीप सिंह जी संघोवाल हर्षदीप सिंह संघोवाल वो भी अपना मान सम्मान लेके जान और इस नाल ही 7th क्लास के बच्चे जिन्होंने इस समय 8th क्लास के बच्चे है और 7th क्लास के उन्होंने पोजिशन ली है फर्स्ट पोजिशन है मनप्रीत कौर कोट बादल खां वो भी अपना मान सम्मान लेके जान
हर्षमीत कौर और राजो बाल और जस जसमीन कौर अवान खालसा ये तिने बच्चे जिन्होंने कि सैवंथ क्लास के फस्ट पोजिशन ली है वह भी अपना मान सम्मान लेके जा और इसके नाल ही सैकंड पोजिशन जी सैवंथ क्लास के लिए सी सिमरनजीत कौर गोरसिया ने हाल वाले मनप्रीत कौर राजोवाल कुलविंदर सिंह अजतानी इन्होंने सैकंड पोजिशन ली है वह भी अपना मान सम्मान लेके जा और सैवंथ क्लास के थर्ड पोजिशन पर आए हैं अमरजीत सिंह राजोवाल जसमीन कौर राजोवाल जिन्हें बच्चों का मैं नाम अनाउंस किया प्लीज अपना मान सम्मान जरूर लेके जा और सिक्स्थ क्लास वेलकम पंजाब पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ तो किया जा रहा है तो साढ़े डायरेक्टर साहब श्री रमेश चंद्र जी और साढ़े प्रिंसिपल साहबा मैडम किरण बाला जी उन्होंने बहुत ही उन्होंने वार्मफुल उन्होंने अपने शुभ कार्यक्रम द्वारा जोड़ा कि यह मान सम्मान किया है तो मेरी गुजारिश है साढ़े डायरेक्टर साहब जी सर जी सर जी सरदार नरमल सिंह जी राइस मेहनत वाले वह भी अपना कीमती समा चढ़ के साथ दरबार पहुंचे और इस ही साढ़े बहुत ही सत्कार जो बहुत ही रिस्पेक्टिव चीफ गेस्ट डॉक्टर अमरजीत सिंह जी हिमालय की खातिर हम अपना
थैंक यू थैंक यू थैंक यू तुहाड़ियां ताड़ियां लई लई कहिंदा बंदा पत्ते खा खा दरख्तां दे रह लड़दे पत्ते खा खा दरख्तां दे रह लड़दे किड्डा जेरा महान पंजाबियां दा एक हाथ सीस दूजे विच खंडा होया दीप सिंह कुर्बान पंजाबियां दा असि इन्हां दे टीचर्स दा भी थैंक्स करते हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत करवाई इन्हां बच्चों की क्योंकि जिथे इन्हां बच्चों को किताबी शिक्षा देंगे उसके मूल शिक्षा के संगीत जी परफॉर्म करनी है वह भी एक बहुत वड्डी शिक्षा है बहुत वड्डी यह जी ज्ञान है क्योंकि मैं पहले भी जिक्र किया कि जरूरी नहीं है कि इन बच्चों ने कोई कलाकार बनना कोई एक्टर बनना या कोई भंगड़े वाला बनना कोई आर्टिस्ट बनना है सचेत जी परफॉर्मेंस करनी है ना बच्चों ने इसके इन बच्चों की एक जग खुलती इन्हों के गल कर एक जी झिझक जी खत्म हो जाती है किसी न भी ये गल कर सकते हैं अपने कोई भी मुद्दा जोड़ा अपने कुछ अहदेदार को प्रशासन को रख सकते हैं तो ये बहुत वही कामयाबी है ढंग न बदल देना चाहिए तो अंग्रेजी हुकूमत ने भी इसे तरह करना चाहिए पर वारे जाइए We'll be right back.
थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मैं ताड़ी दिया करो जोर ना तो उसी थोड़ा जी मेरे को वॉल्यूम दे 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 हेलो